गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज क्लास 8 एसएसटी सिविक्स क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म पेज नंबर 220। सेक्युलरिज्म, इन द लास्ट चैप्टर यू स्टडीड अबाउट द फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्यू टू इट्स multi-ethnic, multicultural and multi-racial society. It was essential to follow a path of secularism. In this chapter, we shall study about the various nonsense of secularism. Look at this picture. महात्मा गांधी, सम वर्ड्स ऑफ दैट, आई डू नॉट एक्सपेक्ट इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स टू डेवलप वन रिलीजन्स, कि मैं ऐसा इंडिया नहीं चाहता, ऐसा सपने में भी नहीं देखना चाहता कि कंट्री जो है किसी एक रिलीजन्स जो है उसमें डेवलप्ड हो, यानी इंडिया में सिर्फ एक रिलीजियस डेवलप ना हो, टू बी होली हिंदू और होली क्रिश्चियन और होली मुसलमान। मैं चाहता हूँ कि सारे हिंदू, सारे मुसलमान और सारे क्रिश्चियन, यानी सभी धर्म के लोग डेवलप्ड हो। बट आई वॉन्ट इट टू बी होली टॉलरेंट विथ इट्स रिलीजियस वर्किंग साइड बाय साइड विथ वन अनदर। टोटली उनका मानना ये है कि कंट्रीज में जो डेवलपमेंट होनी चाहिए वो किसी एक रिलीजियस की ना होते हुए सबकी होनी चाहिए, और धर्म को हमें साइड में रख के हमेशा कंट्री की डेवलपमेंट के बारे में सोचना चाहिए। तो ये बात तो सही है। अब सेक्युलरिज्म क्या है, हमने सिक्स स्टैंडर्ड में बच्चा डाइवर्सिटी पढ़ी थी, राइट बेटा? डाइवर्सिटी पढ़ी थी ना, डाइवर्सिटी यानी विविधता, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस, डिफरेंट डिफरेंट रीजन कल्चर। तो डिफरेंशिएट इन डिफरेंट रिलीजन्स कॉल्ड डाइवर्सिटी। बट हम सेक्युलर है, सेक्युलर मीन्स के अलग अलग रिलीजियस लैंग्वेजेस कल्चर ड्रेसिंग सेंस क्लोथ फूड रीजन्स का अलग अलग होते हुए भी किसी एक कंट्री में मिलजुल कर साथ रहना, सेक्युलरिज्म। एवर सिंस ह्यूमंस कंसीव द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी लिविंग, दे ऑल्सो डिवाइज रूल्स ऑफ लिविंग इन द कम्युनिटी। हमेशा से ही ह्यूमन जो है ग्रुप में रहता हुआ है, एक कम्युनिटी में रहता हुआ है, और उस कम्युनिटी में रहने के कुछ रूल्स भी रहते हैं। These rules then needed to be administered and member of the community had to be controlled and governed. और ये रूल जो होते हैं वो आसानी से उस कम्युनिटी के जो हेड होते हैं उनको एडमिनिस्ट्रेशन करने में और गवर्न करने में हेल्प करते हैं। Thus started the system of governance. इसी तरीके से गवर्नेंस का सिस्टम स्टार्ट होता है। Gradually the communities grew larger and turned into townships, cities and states. इसी तरह कम्युनिटीज़ जो होती है वो धीरे धीरे बढ़ जाती है, या तो वो टाउनशिप में कन्वर्ट हो जाती है, या सिटीज़ में, या किसी बड़े स्टेट में। अलॉन्ग साइड ग्रीव फेथ्स बिलीफ रिलीजन्स एंड फॉलोवर्स, और उसके साथ साथ उनका फेथ, उनकी बिलीफ्स, उनके रिलीजन्स, उनके फॉलोवर्स भी बढ़ते जाते हैं। टॉलरेंस फॉर ईच अदर्स इकोनॉमिक स्टेटस रिलीजन एंड कल्चर वॉज नेसेसरी फॉर हैप्पी को एग्जिस्टेंस। हम एक दूसरे का इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, एक दूसरे से उनके रिलीजियस की डिफरेंशिएट को छोड़ के, उनके कल्चर को छोड़ के, हमें ये ज़रूरी है कि हम एक दूसरे के साथ कोएग्जिस्ट करके रहें, तालमेल बैठा कर रहें, खुश रहें। ये सब चीज़ें साइड में रखो। पहले हम इंडियंस हैं। दोज़ हु डिड नॉट हैव म्यूचुअल टॉलरेंस आइदर मूव्ड आउट देमसेल्फ और पुश्ड आउट टू अदर। सिमिलरली कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव फ्रेम देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशंस व्हिच लेट डाउन।
सब चीज़ों को छोड़कर सिर्फ पीसफुली एनवायरनमेंट की तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। कुछ कंट्रीज हैं जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाए हैं, इफ़ दे चूज टू अलाउ द सिटीजन ऑफ ऑल कम्युनिटीज कल्चर लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस फेथ टू लिव विद इक्वल राइट्स और विद डिफरिंग स्टेट। जिन कंट्रीज ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाए हैं उनमें सिटीजन्स को ये राइट्स प्रोवाइड है कि वो कल्चर रिलीजियस फ्रीडम को एक्सेप्ट कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, और उसके साथ साथ उन्हें इक्वल राइट्स भी प्रोवाइड है। सम कंट्रीज चूज टू हैव अ स्ट्रक्चर वेर एन रिलीजियस एफिनिटी वॉज सुप्रीम फॉर द सिटीजन। कुछ कंट्री ऐसी है जहाँ पर सिटीजन से ज़्यादा रिलीजियस बेस्ड सिस्टम इम्पॉर्टेंट रखता है, ये रिलीजियस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है। द मेजॉरिटी पॉपुलेशन ऑफ दीज कंट्रीज फॉलो अ पर्टिकुलर रिलीजन एंड द लॉज आर सच विच फेवर दैर सर्वाइवल एंड सिटीजन। कुछ कंट्री में देखा गया है कि वहाँ पर रिलीजियस सबसे ज़्यादा मैटर करता है, तो वहाँ पर एक ही टाइप का रिलीजियस मिलेगा आपको, और लॉज जो होंगे, जो कानून होगा वो इफ़ेक्ट करेगा, क्योंकि अगर एक ही रिलीजियस का है तो वहाँ के लॉ भी उसी रिलीजियस के बेस पे चलेंगे, तो सिटीजन के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ेगा जो उस रिलीजियस को बिलीव नहीं करते। द सिटीजन ऑफ अदर बिलीव्स और रिलीजियंस आर अलाउड टू लिव विद इन सर्टेन फ्रेमवर्क ऑफ रूल एंड रिस्ट्रिक्शन सच इज द सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल सोशल सेटअप इज नॉन सो नॉन सेक्युलर और इवन थियोरोक्रेटिक। तो वहाँ पर जो उस रिलीजियस को बिलीव नहीं करते उन लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम है, उन्हें कुछ रूल और रेगुलेशंस के साथ, कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ वहाँ रहना पड़ता है। अगर कोई कंट्री एक ही रिलीजियस को फॉलो करती है तो उस रिलीजियस से बेसिक जो सिस्टम होता है वो सब पूरे कंट्री पे लागू कर दिया जाता है, फ्रेमवर्क कर दिया जाता है, जैसे उनके ट्रेडिशन की ड्रेसेस हायर करना, उनके रिलीजियस से रिलेटेड बहुत सारे लॉज होते हैं उन्हें फॉलो करना, तो जो उस रिलीजियस का नहीं है उसके लिए प्रॉब्लम है। तो ऐसी कंट्री को हम नॉन सेक्युलर कहते हैं, क्योंकि सेक्युलर का मतलब क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस के लोगों का एक साथ एक ही कंट्री में मिलकर इक्वल राइट शेयर करते हुए रहना, सेक्युलरिज्म। और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही रिलीजियस को फॉलो कर रहे हैं, एक ही रिलीजियस को सुपरमेसी डिक्लेयर कर रहे हैं, तो ये नॉन सेक्युलर या थियोक्रेटिक कहलाता है। द अदर सिस्टम इज द वन विच फॉलो अ पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल विच अलाउ पीपल टू ऑल फेथ एंड रिलीजन्स टू लिव विद इक्वल राइट्स विच इज कॉल्ड सेक्युलरिज्म। एक और सिस्टम है जहाँ पे पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स जो है पब्लिक को उनके रिलीजियस इक्वल राइट्स, फ्रीडम ऑफ रिलीजियस की परमिशन देते हैं, और जहाँ पे सिटीजन इक्वल राइट्स हायर करके रहते हैं उसे हम सेक्युलरिज्म कहते हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी अबाउट द वेरियस फेसेट ऑफ सेक्युलरिज्म। अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म, अब सेक्युलरिज्म क्या है ये पढ़ते हैं, अभी तो सिर्फ हमने इंट्रोडक्शन देखा। द वर्ड सेक्युलरिज्म वॉज फर्स्ट यूज बाय द ब्रिटिश राइटर जॉर्ज जैकब हॉलियोक इन 1851। तो जो सेक्युलरिज्म वर्ड है वो सबसे पहले किसने यूज किया था, ब्रिटिश राइटर थे जॉर्ज जैकब हॉलियोक, और 1851 में। Although the term was new, the journal notion, ये term नया था, journal notions, notion मतलब धारणाओं के लिए, of free thought on which it was based has existed throughout history. In particular, early secular idea involving the separation of philosophy and religion can be traced back to Ibn Rushd, Averroes, and in India the Upanishad also talk of सर्वधर्म संभवा। यानि हम ये कहें कि सेक्युलर वर्ड बहुत नया है, तो सेक्युलर वर्ड नया नहीं है, हम अगर पुरानी पास्ट की हिस्ट्री की बात करते हैं तो हमें वहाँ पर भी सेक्युलरिज्म देखने मिलता है। जैसे ये जो इब्ने रश्द है जिसे इंग्लिश में एवेरोस कहा जाता है, ये भी एक बहुत बड़े राइटर थे,
उनकी बुक में और हमारे इंडिया की उपनिषेद में सर्वधर्म संभवा, तो ये दोनों बुक में हमें सेक्युलरिज्म देखने को मिलता है। सर्वधर्म संभवा का मतलब होता है रिस्पेक्ट ऑल रिलीजियस, विच मीन्स रिस्पेक्ट ऑल रिलीजियस, ठीक है। तो ये बहुत पहले की बात है ना, हम कोई नई बात नहीं कर रहे ना, तो ये नई चीज़ नहीं है, ये पुराने टाइम से चलते आ रही है, उपनिषद जब था जब से चलती आ रही है। ओलियोग इन्वेंटेड द टर्म सेक्युलरिज्म टू डिस्क्राइब द व्यूज ऑफ प्रमोटिंग अ सोशल ऑर्डर सेपरेट फ्रॉम रिलीजन। ओलियोग ने इस सेक्युलरिज्म वर्ड को इन्वेंट किया था, इससे इसका मतलब उनका सीधा ये था कि सोशल ऑर्डर सेपरेट फ्रॉम रिलीजन, उनको ये बताना था कि धर्म एक तरफ है और सोशल डेवलपमेंट एक तरफ है, ठीक है। तो हम धर्मों को साथ लेकर भी डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं उसके लिए कि किसी कंट्री में एक ही रिलीजियस फॉलो किया जाए। विदाउट एक्टिवली डिसमिसिंग और क्रिटिसाइजिंग रिलीजियस बिलीफ, ही फेल दैट सेक्युलरिज्म वॉज नॉट एन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट क्रिश्चियनिटी, इट वॉज वन इंडिपेंडेंट ऑफ इट। तो वो क्रिश्चियन थे, तो लोगों का ये मानना था कि ये क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट बोलते हैं, कि हम ये कहते हैं कि रिलीजियस बिलीफ्स को एक तरफ रखो और सोसाइटी की डेवलपमेंट के बारे में सोचो। तो वो ये कहते थे कि मैं क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं क्रिश्चियनिटी को आज़ादी दिलाना चाहता हूँ। यानी जो रिलीजियस आप लोगों ने अलग अलग बिलीव्स अलग अलग रिचुअल्स परफॉर्मेंस में बांध रखे हैं, उस रिलीजियस को इंडिपेंडेंट कर दो, आज़ाद कर दो, जिसकी मर्ज़ी होगी वो बिलीव करेगा, जिसकी मर्ज़ी नहीं होगी वो नहीं करेगा। और जितनी बिलीव्स इसके साथ जुड़े होते हैं, जितने रिचुअल्स जुड़े होते हैं, उतना ज़्यादा बाउंड हो जाता है कोई भी रिलीजियस। सेक्युलरिज्म इज़ अ मॉडर्न पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल एंड हैज़ टू एसेंशियल फीचर्स। सेक्युलरिज्म जो है मॉडर्न एंड पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स आते हैं इसमें, दो एसेंशियल फीचर्स इसके हैं। An individual have the freedom to live by their religious beliefs and practice as they interpret these. Any well-governed state should allow its citizens to live happily in harmony with each other. तो अगर एक पर्सन है, ये पूरी कम्युनिटी है, उसको ये पूरी फ्रीडम है अपने रिलीजियस को चूज करने की, और गवर्न स्टेट जो होती है वो सिटीजन्स को भी ये अलाउ करता है कि वो हैप्पी रहे, हारमोनी के साथ, सुख के साथ रहे, शांति के साथ रहे। दिस वुड ओनली बी पॉसिबल इफ दे प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ ऑल सिटीजन। ये तभी हो पाएगा सबके साथ जब हम उस पब्लिक के फंडामेंटल राइट्स है ना, 6 फंडामेंटल राइट्स, उनको सिक्योर करके रखेंगे एंड मेक द सोशल एनवायरनमेंट सेफ एंड सिक्योर फॉर देम। और इसी के साथ इसको सिक्योर करने से उनके लिए एक सोशल एनवायरनमेंट सेफ और सिक्योर करके रखेंगे। पीपल शुड नॉट फील ऑप्रेस्ड, डोमिनेट और इनसिक्योर, तब जाके पीपल्स जो होंगे वो इनसिक्योर नहीं फील करेंगे, डोमिनेंस नहीं फील करेंगे, ऑप्रेस्ड फील नहीं करेंगे। टू स्टेट एंड द रिलीजन शुड बी सेपरेट इन दिस फीचर्स टू टेक कीप्स इटसेल्फ अवे फ्रॉम इंटरफेरिंग द अफेयर्स ऑफ पीपल। जो स्टेट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, वो कभी भी रिलीजियस बिलीफ्स में, रिलीजियस अफेयर में इंटरप्रेट नहीं करती है। वो अगर करेगी तो या तो एक गलत होता है या एक सही होता है। जो सही होगा उसकी तरफ बोलेगी तो गलत क्या कहेंगे, आप तो इन रिलीजियस का सपोर्ट कर रहे हो। अगर उस रिलीजियस का नहीं करेगी, दूसरे का करेगी, तो पहला रिलीजियस कहेगा आप तो उस सेकेंड नंबर वाले रिलीजियस का फेवर कर रहे हो, इसलिए वो रिलीजियस अफेयर में नहीं घुसती। दिस allow freedom to interpret religious teaching differently or permit citizen to exist from their religion and have the freedom to embrace other religions. Country के citizen के पास ये right है कि अगर वो चाहे तो अपने religious को believe करे, अगर उसको नहीं चाहता, वो किसी और religious में जाना चाहता है, तो उसके पास भी ये rights है कि वो अपने लिए कोई और religious choose कर सकता है। The people the people
have to right to make their own decision and government does not legislate on issue regarding religious interpretation and beliefs. पब्लिक अपने डिसीजन बता सकती है अपने रिलीजियस के लिए, गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर नहीं करेगी. पॉजिटिव आइडियल इन सेक्युलर सोसाइटी, तो एक सेक्युलर सोसाइटी, सेक्युलर यानी जहाँ सब धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं, तो ऐसी सेक्युलर सोसाइटी में क्या पॉजिटिव आइडियल्स होनी चाहिए? डीप रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल एंड द स्मॉल ग्रुप ऑफ विच दे आर पार्ट. हमें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे वो एक धर्म हो चाहे वो दूसरा धर्म हो, एक दूसरे ग्रुप की, एक दूसरे कम्युनिटी की हमें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे वो ग्रुप बहुत छोटा ही हो चाहे वो ग्रुप बहुत बड़ा हो. इक्वलिटी ऑफ ऑल पीपल, एक दूसरे के लिए, सॉरी पीपल्स के लिए इक्वालिटी होनी चाहिए. अगर कोई लोअर कास्ट का है, पुअर सेक्शन का है, तो वो भी इक्वल है सोसाइटी में रिस सेक्शन के एक्सपेक्टेशन. ईच पर्सन शुड बी हेल्प टू रियलाइज देयर पोटेंशियल. हर लोगों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए जितनी आपके पास पोटेंशियल है. मान लो जैसे आप, कोई सामने वाला आपकी से हेल्प मांग रहा है, उसके उसे बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, 5,000, 10,000, आपके पास इतने नहीं है, आपके पास 100 ही है, 150 ही है, तो आपको ये बुरा नहीं लगना चाहिए कि मैं उसकी हेल्प नहीं कर पाया. तो हेल्प करो अपनी पोटेंशियल, ये नहीं कि भाई उसको 5,000 चाहिए तो मैंने ये बेच दिया वो बेच दिया, नहीं, आपके पास जितना है, आपकी पोटेंशियल जितनी है, आपकी जितनी हद है, आप उसके अकॉर्डिंग सामने वाले की हेल्प करनी चाहिए. ठीक है, और वाई सेक्युलरिज्म हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. थैंक यू बेटा.